90.4 FM पे अब आप सुनेंगे डॉक्टर्स टाइम। हेलो नमस्ते जोहार, मैं शांभवी आ गई हूँ आपका पसंदीदा शो डॉक्टर्स टाइम लेकर। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रजनीश राज, जो डायबिटीज और थायराइड के स्पेशलिस्ट हैं। और हम आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे थायराइड और डायबिटीज के बारे में, इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबको जोहार, मैं डॉक्टर रजनीश यहीं रांची में हूँ, यहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई बिशप वेस्टकोट बॉयज स्कूल से, उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में गया, गवर्नमेंट सर्विस भी करी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट पोलियो वायरस इंडिया का मेरा ही निकाला हुआ था, बिहार के कटिहार में। उसके बाद से मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में इधर आ गया रांची। डायबिटीज और थायराइड में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आरके पॉलीक्लिनिक है हेरिटेज बिल्डिंग में, फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ये तो हमें कहना चाहिए, आपने अपना टाइम दिया है हमें। सर आज के डेट में डायबिटीज लगभग 90% लोगों में पाया जा रहा है, सर इसके कारण क्या है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि ये एक कॉमन घर घर की बीमारी हो गई है। घर घर की बीमारी इसलिए हो गई है क्योंकि आज के समय में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है सबके साथ में। तनाव कई तरह का है, तो अगर हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा अर्थ निकलता है जीवन शैली। तो तनाव कई प्रकार के हैं, फिजिकल स्ट्रेस यानी शारीरिक, ठीक है, जैसे एक सुबह से शाम मार्केटिंग वाले लोग हैं, लेबरर हैं, इस तरह से लोग। दूसरा होता है आपको मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव। अब उसमें कई लोग हैं, जैसे बैंक वाले लोग हो सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। और तीसरा होता है फूड स्ट्रेस, जो हमारे जैसे लोगों के लिए होता है। ये फूड स्ट्रेस सबसे कम लोगों के द्वारा जाना गया है, इसको समझना होगा, और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। सर आप बताएंगे हमें इसके बारे में? अच्छा, अब देखिए फूड स्ट्रेस क्या है। हम दिन भर काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में आए हैं, लंच लेके आए हैं, हल्का फुल्का खा के जाइएगा, शाम को कुछ खा लिया, फिर रात में इकट्ठे जब घर गए, घर का काम हुआ, उसके बाद एक ही बार बढ़िया से खाए, और रात में 9 बज रहा है, 10 बज रहा है खाने में, तो 10 बजे जब आप बढ़िया से खा रहे हैं तो उसके बाद शरीर को खाना पचाने के लिए भी समय मिल बनता है, ठीक है, तो वो समय नहीं मिलता है उतना। और जो डाइजेस्ट हो रहा है तो किस चीज़ में जा रहा है? शुगर में, और शुगर से फिर कोलेस्ट्रॉल में, चाहे कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा बन रहा है। अच्छा। अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हुआ जी। अब देखिए यहाँ पर आपका, आप जो मुझे बुलाए हैं, तो आप देखिए एक कॉर्नर स्टोन है कोलेस्ट्रॉल। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक चीज़ बताया गया था कि डायबिटीज़ शुगर की बीमारी कम और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि सारा चीज़ इसमें खराबी होता है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। अब आपने एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं कि डायबिटीज़ और थायराइड दोनों में एक ही चीज़ परेशान करता है, वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हर जगह नुकसान करेगा जी, बिल्कुल। तो ये हो गया फूड स्ट्रेस, तो तीन तरह का तनाव अभी हुआ जी। फिजिकल स्ट्रेस तो अंडरस्टूड है, मेंटल अंडरस्टूड है, सर फूड स्ट्रेस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि देखिए, अब अगर हम ये तीन चीज को अगर रैशनलाइज करना सीख लेते हैं तो यानी कि आप ही बताइए क्या हो सकता है। डायबिटीज पे इसका असर पड़ेगा, थायराइड पे असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, फिर असर तो कम होने लगेगा जी, जी बिल्कुल। यानी शुगर को मैनेज करना सब चीज आसान हो जाएगा जी। अब जब हम कोलेस्ट्रॉल का बात कहे तो आप एक चीज बोलिएगा, सर तब इससे हार्ट पे बीपी पे भी असर पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है। किस तरह से इफेक्ट करता है सर? अब आप एक चीज समझिए, देखिए आपके माइक में एक पाइप लगा हुआ है ना, ट्यूब लगा हुआ है जी, जी बिल्कुल। ट्यूब को अगर आप बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर धूल और पानी जमते जमते ये स्टिफ हो जाएगा, उसका क्रैक कर जाएगा जी, ठीक है जी। यही हाल होता है डायबिटीज और थायराइड में और कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स में। ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगेगा ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स स्टिफ होने लगेगा और उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसको हम लोग नापते हैं आर्टेरियल स्टिफनेस इंडेक्स से, एक मशीन से फॉर प्रोग्नोसिस। अच्छा, ये तो हुई बड़ों की बातें, सर बच्चों में भी ये चीजें देखी जा रही हैं। आजकल देख रहे बच्चे कम उम्र में भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है। हाँ देखिए, पहला चीज है ना कि डायबिटीज का दो प्रकार है, टाइप 1 एंड टाइप 2। हमारे देश में टाइप 2 ज्यादा प्रिवेलेंट है। टाइप 2 होता है ओबेसिटी के चलते, यानी मोटापे के चलते जी, ठीक है। और टाइप 1 होता है जेनेटिक, यानी उसके जीन्स में प्रॉब्लम है, इंसुलिन शरीर में बन रहा है बहुत कम, ठीक है, बना और तुरंत खत्म हो गया, बनेगा ही नहीं।
अच्छा ठीक है। टाइप टू में है क्या कि इंसुलिन बनता है लेकिन आधा ही बनता है, लेकिन आधा हमारे शरीर को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट। अब जब आप बोल रहे हैं कि बच्चे में हो रहा है, तो बच्चे में एक कारण यह है ओबेसिटी और दूसरा जेनेटिक ट्रांसमिशन। एक और वेरिएंट होता है इसका टाइप वन के अलावा, टाइप टू का एक वेरिएंट है जिसका जिसको बोला जाता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, तो 10 12 13 14 साल के बच्चे में ये दिखेगा। अच्छा। उसमें आपको इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, इंसुलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, बेकार हो जाता है। अच्छा। तो ये है, तो बच्चे में भी प्रिवेंटेबल है। अब आप एक चीज और जानिए, जब आपने एक सवाल पूछा तो मैं एक और रहस्य की बात बताता हूं। जी बिल्कुल। अभी एक ट्रेंड है कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको थायराइड का दवाई एज सपोजिटरी दिया जाता है। अच्छा। ठीक है, अगर डिलीवरी टर्म के बाद में आपको शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है या उस समय शुगर आपका कंट्रोल सही से नहीं हुआ है, तो बच्चे को भी ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर रहता है। इसके बाद क्या शुगर या डायबिटीज हमारे लाइफस्टाइल को भी इफेक्ट करता है? अगर हम इसको ऐसे बोलें कि लाइफस्टाइल शुगर और डायबिटीज को इफेक्ट करता है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों बीमारियां जो हैं, डायबिटीज हो चाहे थायराइड डिसऑर्डर हो, उसमें जीवन शैली में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण और उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखता है। जैसे हम लोग बात करते हैं थायराइड का, तो थायराइड की बीमारी दो प्रकार की होती है, एक में जिसमें थायराइड हार्मोन का घट जाता है, दूसरे जिसमें थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है। ठीक है, जिसमें घट जाता है, थायराइड एक छोटा बहुत मटर के दाने से भी चना के दाने के जितना बड़ा ग्लैंड है जो हमारे गले में ऊपर में रहता है, ठीक है, दो छोटा छोटा है और बीच में ज्वाइन होता है इस्थमस से। तो जब घट जाता है तो उसका बहुत सारा कारण है, लेकिन एक जो बेसिक कॉमन जो हमारे यहाँ है प्रिवेंटेबल है, यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म पहाड़ी एरिया में ज़्यादा होता है। जैसे आप गैंगटॉक वगैरह साइड जाइएगा ना जी, तो उधर में पहाड़ी इलाके में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सब क्लिनिकल है। सब क्लिनिकल का अर्थ है कि हम बिना दवा के उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यानी कैसे? जीवन शैली, खान पान में परिवर्तन। चार चीज नहीं खाना है हाइपोथायरॉयड को, गोभी, मूली, सरसों, सोयाबीन। किसी तरह का गोभी नहीं, मूली नहीं, सरसों का कुछ नहीं, सोयाबीन का कुछ नहीं, तो चांस है कि उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसी तरह फूड स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है, मेंटल स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है। रात को जल्दी खाना है, 8 बजे खा लीजिए, हल्का आहार लीजिए रात को, रोटी, दाल, दूध, पनीर, ये हरा सब्जी। रात में नॉनवेज नहीं खाइए और रात में भात मत खाइए। इस अगर आप कैच लाइन को याद रखिएगा, रात में भात नहीं खाइए, तो आप ये दोनों से बहुत दूर हो जाएंगे। सर, आपने भात की बात कही, या नॉर्मल अगर हम कहें कि लोग कहते हैं कि डायबिटिक जो लोग हैं उनको चावल खाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। अच्छा। देखिए, अति सर्वत्र वर्जित होता है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं खाएंगे? हम खाएंगे, लेकिन कौन सा चावल, कौन सा भात हमको फायदा देगा ये तो जानना है ना। जी बिल्कुल। है? अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि नहीं हमको कपड़ा से एलर्जी है, तो हम ऐसा नहीं ना कि कपड़े नहीं पहनेंगे। अरे भाई, कौन चीज से एलर्जी है हमको जी। तो उसी तरह कौन सा चावल, लंबा दाना, बासमती, अरवा जी, खा सकते हैं, लेकिन कब? दोपहर में। लंबा दाना जी, बासमती, अरवा, क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत अधिक है। अच्छा। अब फाइबर यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। तो इसके लिए एक चीज आपको महत्वपूर्ण है जो आपको करना चाहिए, 2 फल ऐसा है जो भगवान हर घर में दिए हैं, बिना मेहनत के अपने आप उगता है, अमरूद और पपीता। जी बिल्कुल। रोज खाइए, कभी कोलेस्ट्रॉल आपको तंग नहीं करेगा, पेट ठीक रहेगा। लेकिन सर कहते हैं कि पपीता शायद डायबिटीज को बढ़ाता है। नहीं बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाएगा। नहीं। अब यहाँ पर भी देखिए, जिसको समझ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं जी। शुगर जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स एंड वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स। हम हरा सब्जी बोलते हैं, जितना खा सकते हो खाओ जी, ठीक है, लेकिन ये सब जो है नॉनवेज बोलते हैं कि कम से कम खाओ। शुगर का टाइप इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे जानवर का जो इंटेस्टाइन होता है ना, जैसे घोड़े का इंटेस्टाइन जी, ठीक है, वो 72 meters का होता है और हमारा बहुत छोटा होता है जी। तो उसका इंटेस्टाइन लंबा क्यों है? क्या कि वो कोई भी हरा चीज को पचा लेगा? हम लोग नहीं सकेंगे ना जी।
जी सही बात है, ये छोटा सा चीज समझने का, यानी कि डाइजेशन पूरा, अगर हम ग्रीन्स ज्यादा लेते हैं तो कम होगा। अब एक और चीज आपको बता रहे हैं, एक नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन है, ठीक है, आइनोसिटॉल। आइनोसिटॉल क्या करता है कि हार्मोन का सेंसिटाइजेशन बढ़ाता है, उसका इफेक्ट बढ़ा देता है, ठीक है। ये किस में मिलता है? स्प्राउट्स में, जो सबसे बढ़िया है सोर्स, मूंग और चना, मटन वगैरह में भी मिलेगा, लेकिन फायदा करेगा मायोइनोसिटॉल जो स्प्राउट्स में है। अगर हम स्प्राउट्स डेली खाएंगे तो इसका असर तो हमको बढ़ जाएगा ना, फायदा मिल रहा है ना जी, बिल्कुल, लेकिन हम लोग खाते नहीं है। सही बात है, नहीं खाते। एक और भ्रांति है इसी सिलसिले में, लोग बोलेंगे गुड़ नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, रोज खाना है, लेकिन कौन सा गुड़? हाँ, खजूर का गुड़। अच्छा, खजूर का गुड़ एक छोटा ढेला रोज खाना है, छोटा 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 रोज, इतना एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो आपको फायदा देगा। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियास का बीटा सेल्स है और ब्रेन के सेल्स में जो शुगर बढ़ने के चलते, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चलते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जी, वो नॉर्मलाइज होता है जी। अब देखिए कहां से कहां पहुंच गए जी, अब इसी सिलसिले में अगर आपको शहद बढ़िया मिले तो शहद रोज खाना है, एक मसाला वाला चम्मच जो होता है ना जी, उससे एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम। मैं तो कहूंगा कि चाय जो पीते हैं आप, शहद डाल के पीजिए। मुंशी प्रेमचंद का आप नमक का दरोगा पढ़े होंगे, गोदान वगैरह पढ़े होंगे जी, जी बिल्कुल, उसमें आप देखे थे गुड़ की चाय बनाओ चीनी नहीं है। हाँ जी, देखिए कहाँ था हमारा देश, कहाँ था, अभी कहाँ है, कहाँ पहुँच गया है। अभी आप शुगर फ्री कर रहे हैं, गुड़ का चाय पियो ना, लेकिन कौन सा? खजूर गुड़ की, नॉर्मल जो गुड़ मिलता है मार्केट में, वो नहीं गन्ना का गुड़ नहीं जी, बिल्कुल का गुड़। सर हम सुनते आए हैं लोगों से कि डायबिटिक जो है उनका शुगर लेवल अगर बढ़ता है तो बेसिकली वो हार्ट पे किडनी पे असर करता है, इसके अलावा भी कोई बॉडी पार्ट है जहाँ वो नुकसान करता है? देखिए डायबिटीज और थायराइड ऐसा बीमारी है ना जो शरीर का हर ऑर्गन को असर करता है जी, स्किन से लेके बाल से लेके आंख से लेके हर जगह, हड्डी से लेके हर जगह, इवन नेल्स जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बताता हूँ, जिस दिन कोई बंदा डायग्नोज किया जाता है ही इज अ डायबिटिक, ही और शी इज अ नॉन डायबिटिक जी, आप मान के चलिए कि 10 साल पहले उसका डायबिटीज शुरू हुआ था, बाय द टाइम ही इज डिटेक्टेड इट इज ऑलमोस्ट 10 इयर्स। और इस दौरान में सबसे पहला चेंज जो आता है वो हमारे आंख के रेटिना में आता है, जो माइक्रो ब्लड वेसल्स होता है उसमें ब्लॉकेजेस शुरू होता है। तो सबसे पहला कहाँ हुआ और उसको डिटेक्ट होने में कितना साल लग गया जी, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह चेंजेस किडनी में आता है, उसी तरह चेंजेस हार्ट में आता है, स्किन में आता है। आपने जब ये बताया तो मैं आपको बताता हूँ सबसे कैच पॉइंट। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में एक लाइन था हमारे किताब में, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जिसमें थायराइड का हार्मोन का लेवल घट जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ डिजीज दैट कैन बी डायग्नोस्ड ऑन द टेलीफोन। कैसे सर? जब आप हाइपोथायरॉयड होइएगा सबसे पहला बाल बहुत झड़ेगा जी, ठीक है, स्किन जो है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा स्किन, ड्राई हो जाएगा, स्केली हो जाएगा, आवाज में बदलाव आएगी, पिछले 6 महीने में आवाज जो है मोटा भारी हो जाएगा, होर्स हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। लेकिन हाँ अब इसमें बोलिएगा सर बहुत बाल झड़ रहा है, अब जो बायोटिन विटामिन है जो स्प्राउट्स वगैरह में होता है, अगर आप नहीं खाइएगा हरा सब्जी तो बायोटिन घटेगा तो बाल झड़ेगा ही। कॉन्स्टिपेशन अगर आप ढंग से नहीं खा रहे हैं खाना, रात में 12 बजे खाइएगा खाना तो कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन वाला तो रहेगा, लेकिन ये क्लासिकली है। उसी तरह हाइपरथायरॉयडिज्म भी है, खूब पसीना आएगा, बैठे बैठे पसीना आ रहा है, आप एसी नहीं चलाइएगा तो 2 मिनट के अंदर पसीना से हालत खराब हो जाएगा, घर में कितना ठंडा पड़ रहा, पल्पिटेशन होगा। एक और चीज हाइपोथायरॉयडिज्म में साइकिल से एकदम गड़बड़ रहेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में लूज मोशन फ्रीक्वेंट होता रहेगा, माथा पटक के रह जाएगी, पता नहीं चल रहा काहे हो रहा है, और काहे हो रहा है तो हार्मोन बढ़ा हुआ है, चाहे दवाई का ओवरडोज, अभी हाँ दवाई का ओवरडोज भी होता है। अगर हम किसी को थायराइड हाइपोथायराइड नहीं है और थायराइड हार्मोन का दवाई दे रहे हैं तो फिर उसको गर्मी नहीं होगा बर्दाश्त, एकदम नहीं होगा बर्दाश्त, उसको लूज मोशन होते रहेगा, पल्पिटेशन होते रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली हार्ट पे असर कर रहा है। मैं पूछना चाह रही थी सर आपसे कि जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल से दवा ले रहे हैं डायबिटीज का, थायराइड का,
तो क्या इसको क्योर किया जा सकता है कि उनकी दवाइयाँ बंद हो जाए? ये क्यूरेबल है। देखिए अभी हम लोग दो बात किए ना, डायबिटीज का दो प्रकार है, टाइप 1 और टाइप 2। जी। टाइप 1 जेनेटिक है। जी। ठीक है, उसी में मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। जी। उसका 9 वेरिएंट है। जी जी। ये तो क्यूरेबल नहीं है। ठीक है। टाइप 2 में, हाँ टाइप 2 का जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे हाँ, टाइप 2 में भी एक वेरिएंट है लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ द एडल्ट। ठीक है, लाडा क्यूरेबल नहीं है, लेकिन टाइप 2 में हाँ। लेकिन करना क्या है, खान पान पर ध्यान देना है, जीवन शैली परिवर्तन। खान पान में आप सोचिएगा हम कुछ नहीं खाएंगे, अरे नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे? जी बिल्कुल, खाना तो सब चीज है, रोटी खाना ही है, रोटी नहीं खाइएगा तो रहने सकिएगा नहीं? बिल्कुल, ना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बस रोटी का जो है ना, क्यों आप उसमें दिमाग लगाना है आपको, कभी मिस्सी रोटी जैसा बना लिए, आटा में बेसन मिला दिए, कभी सूजी का चिल्ला बना लिए, कभी बेसन का चिल्ला बना के खा लिए, कभी मड़ुआ का रोटी हम लोग खाते हैं, मड़ुआ का रोटी, कभी कभी इसी तरह से सोयाबीन और इसका नॉर्मल आटा मिला दीजिए, कभी बाजरा और आटा मिला करके रोटी खा लीजिए, कभी जौ का आटा और नॉर्मल आटा मिला के रोटी खा लीजिए। यानी देखिए आपके पास 7-8 तरह का आटा है, ठीक है, मकई को हटा दीजिए, मकई और मैदा हटा दीजिए, भूल जाइए एकदम। ठीक, कभी गलती से गए तो कुछ खा लिया वो अलग चीज है, नहीं तो रेगुलर नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये 7 तरह का आटा है आपके पास, आप एक दिन ये दोनों को मिला, एक दोनों को मिला अपना करके 7 दिन 7 तरह का रोटी, आपका तो मेन्यू हो गया शानदार। जी बिल्कुल है। इससे फायदा क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल भी घटा, फाइबर ज्यादा गया, शुगर तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही मैनेज कर ले रहे हैं। जी। और जब आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर ले रहे हैं तो मैम आप ही जवाब दीजिए मुझे कि हो सकता है पॉसिबल? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल है। अगर हम फाइबर बढ़ा रहे हैं हरा सब्जी के द्वारा तो पॉसिबल है। फाइबर क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल का अब्सॉर्प्शन को रोक रहा है। अभी हम अमरूद क्यों बोले, कोलेस्ट्रॉल का अब्सॉर्प्शन को रोकेगा। पपीता क्यों बोले, लिवर का उससे अच्छा कुछ नहीं। आपको याद होगा आप लोग मटन उटन तो खाते हैं, हम तो खाते नहीं। नहीं नहीं सर, हम तो बहुत लोग खाता है, बहुत से लोग है जो खाते। आप लोग देखिएगा कि मटन जब बनाता है तो उसमें पपीता, कच्चा पपीता डाल देता है ताकि जल्दी सिंच जाए। क्या कर रहा है वो, डाइजेस्ट करा रहा है जल्दी एंजाइम्स, तो डाइजेशन भी हो रहा है, प्रोसेस भी फास्ट हो रहा है और आपको फायदा भी दे रहा है। छोटा सा चीज है। जी बिल्कुल। अब आपको मैं बता रहा हूँ, सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म है झारखंड में ज्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसा परिस्थिति था जिसमें हम लोग जांच कराए, थायराइड बढ़ा हुआ दिख गया और दवाई शुरू हो गई। बेसिकली अभी करते हैं क्या हम लोग, T3 T4 TSH जांच करा लिए, थायराइड प्रोफाइल और TSH बढ़ा हुआ है, दे दिया दवाई। जी। नहीं करना, हमेशा इसका एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके अगर जब हम करते हैं ना तो एक्यूरेट रहता है। जब हम बीमार पड़े हुए हैं, सर्दी बुखार लगा हुआ, अभी हमको थायराइड का जांच जो है 2 हफ्ते तो छूना ही नहीं है, 2 से 3 हफ्ता, 3 हफ्ता के बाद उसका जांच होना चाहिए, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि दोनों साथ ही बढ़ता है, इंटर रिलेटेड है। डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल तीनों इंटर रिलेटेड है। अब बहुत सारा पेशेंट ऐसा भी आता है, जो आपका सवाल था क्या दवा छूट सकता है, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा पेशेंट्स है जो 10 साल 15 साल से डायबिटीज थायराइड का दवाई खा रहे थे। ठीक है, धीरे 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 करके उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ, खान पान में सुधार किया, थायराइड का दवाई पहले बंद हुआ, फिर शुगर का दवाई बंद हुआ। बहुत अच्छी बात है सर हमारे लिए, यानी कि दोनों इंटर रिलेटेड है। अब देखिए दोनों का एक कॉमन चीज है, अगर हम थायराइड का दवाई एक्सेस हो रहा है ना, तो थायराइड हार्मोन जो है वो इंसुलिन और थायराइड हार्मोन एक दूसरे का विपरीत चलता है, बिल्कुल विपरीत। आप समझ लीजिए ऐसे, आपके ये स्टूडियो में 4 माइक है ना, जी, एक एंकर है आप और 3 जो है इंटरव्यू देने वाले हैं, तो 3 का क्या हाल होगा, 3 तो आपके विरुद्ध है और आप 3 के विरुद्ध है। इंसुलिन बेचारा अकेला रहता है, सबका एक ही काम, जितना भी हार्मोन है हमारे शरीर में, जितना भी, सबका एक ही काम है शुगर बढ़ाओ, क्योंकि शुगर से हमारा शरीर चलता है। और इंसुलिन क्या करता है कि सब जब बढ़ा रहा है तो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और ये दोनों सबका यही काम है, एक ही हार्मोन है जो इंसुलिन के साथ साथ रहता है थोड़ा देर, वो है टेस्टोस्टेरोन। औरतों में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इंसुलिन का मदद करता है, लेकिन जब 45 के बाद एस्ट्रोजन बाबू शांत हो जाते हैं तो प्रोजेस्टेरोन रूल आ जाता है, दुश्मन है। तो अब देख लीजिए जीवन शैली में कितना फर्क आ गया। हाँ जी, हाँ जी, अब आपको एक चीज मैं और भविष्यवाणी बताता हूँ,
आपका जो सवाल था कि शुगर का दवाई बंद हो सकता है कि नहीं, मैंने कहा था टाइप 1 में नहीं हो सकता जी। ठीक है, जेनेटिक जो है, लेकिन पिछले 3 साल पहले एक रिसर्च हो रहा था US में, हम लोग मलेरिया का बहुत सबके घरे घरे मलेरिया हुआ जी। तो एक कॉमन चीज था, एक इंजेक्शन चलता था ईमाल करके, जब चूहे के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अभी भी चालू है जी। तो देखा गया कि इंसुलिन जिससे बनता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से, ठीक है, और उसका विपरीत हार्मोन जो है ग्लूकागॉन वो बनता है अल्फा सेल्स से। दो तरह का सेल्स है, अल्फा और बीटा, आपके जानकारी के लिए हम इतना उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जी। बिल्कुल, अल्फा सेल्स को बीटा सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है और अल्फा सेल्स फिर इंसुलिन बनाने लग रहा है, ये देखा गया, यानी कि आगे भविष्य में स्कोप है जी। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली सर आपसे, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प होगा इससे। अगर आप इजाजत दें तो एक चीज और बताऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल कैसे नुकसान करता है? हाँ जी, ठीक है, जब इतना हम लोग बात किए तो इसमें सारा मेन को कल्प्रिट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब बहुत बढ़ेगा ना, जब बढ़ने लगता है ट्राइग्लिसराइड, वो इंसुलिन को काम करने देता है ना थायराइड किसी को नहीं, और लिवर को डैमेज करता है तुरंत, हार्ट को डैमेज करेगा, किडनी को, सबको करेगा। अच्छा, ठीक है जी जी, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण होते क्या है सर हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? अब इसमें दो है, एक तो जेनेटिक है जी, ठीक है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, ठीक है जी। तो उसमें किसी में टीजी बढ़ेगा, किसी में कुछ, उस डिटेल्स में हम लोग जेनेटिक टाइप्स में नहीं जाएंगे तो बेहतर जी, है जी। लेकिन हमारे भारतीय परिवेश में 99% लोग ऐसे हैं जो फूड स्ट्रेस से पीड़ित हैं, और ये खान पान में गड़बड़ी के चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर मान लीजिए आप समय पे खाइएगा नहीं, समय पे सोइएगा नहीं, मान लिया जाए कि कोई नाइट शिफ्ट करता है, ठीक है, या सेकेंड हाफ का शिफ्ट करता है 2 से 10, रात में तो ऑब्वियसली 10 बजे गया घर, खाना खाया, और उस वक्त सोते सोते उसको 12, 1 बज गया, 2 बज गया, 11 बजे खाना खाया, तो उसका क्या चीज बढ़ेगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल का कौन सा फ्रैगमेंट बढ़ेगा? LDL, ट्राइग्लिसराइड, दोनों बढ़ेगा जी। और वो बहुत फेटल होता है। बहुत मानसिक तनाव है, क्या बढ़ेगा? ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। वो क्या कर रहा है ना, कोई हार्मोन को काम ही नहीं करने देगा। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना समय दिया आपने हमें, थैंक यू सो मच। मैं आपको मेरी तरफ से धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया जी। और एक मंच दिया जिससे मैं अपने लोगों के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है मैं अवगत करा सकूं, और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। तो हमारी एक जिम्मेदारी है, शराब से दूर रहिए, खान पान ठीक रखिए, बाकी तो जो हाज हर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ हमारे लिसनर्स को आपकी ये उपयोगी बातें काफी फायदा देंगी। थैंक यू सर। रेडियो खांची 90.4 FM पे आप सुन रहे थे डॉक्टर्स टाइम। हम फिर मिलेंगे शो डॉक्टर्स टाइम में कुछ नई जानकारियों के साथ।